बीते दिनी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे दौरान खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से केंद्रीय राजमंत्री अजय मिश्रा के पुत्र विचाले टकराव हो गया। इस दौरान हुई हिंसा में 8 जणियां की मौत हो गई। उत्थे ही पुलिस मुताबिक मृतकों में 4 किसान भी शामिल सन। इस संबंधी भारतीय किसान यूनियन गुराह ने घटना लई केंद्रीय राजमंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ते साथियों नूं जिम्मेवार ठहराउंदिआं सख्त शब्दों में निखेधी की। उत्थे ही शहीद होए किसानों के परिवारों नाल डूंगी हमदर्दी जताउंदिआं भारतीय किसान यूनियन गुराह वल्लों कस्बा खालड़ा विखे बीजेपी सरकार का पुतला फूकिया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं भारतीय किसान यूनियन गुराह के जिला प्रधान गुरबाज सिंह ने कहा कि मंत्री दे पुत्र अते उस दे समर्थकां दीआं गड्डियां ने पहलां किसानां नूं दर्द दित्ता, इस तों बाद ही हिंसा शुरू होई। उन्हां किसानां नाल वापरे इस दर्दनाक हादसे की उच्च पद्धरी जांच करवा के सख्त कार्रवाई की मंग की है। जो साढ़े नाल शांतमई ढंग दे नाल असी 3 तरीक तो मोर्चा साडा जो जथेबंदी का ऐलान सी कि पहलों तो साडा डीसी दफ्तरां दा ही भी डीसी दफ्तर जिहड़े आ 3 तरीक का संयुक्त मोर्चे का फैसला है डीसी दफ्तर घेरने आ वह शनिचर ऐतवार की छुट्टी होने कारण फिर साडे संयुक्त मोर्चे ने फौरी कॉल करती कि जिन्हें भी है विधायक MLA MP उन्हों का घराओ करा यूपी दे विच साडे BJP की सरकार उत्थे चल रही आर का घराओ किया ही घर के घराओ तो शांतमई तरीके दे नाल घराओ करके वार सारे किसानों उत्ते उन्होंने गड्डी चढ़ा के तिना किसानों की जिहड़ी मौत कर दिती आ कुचल दिता उन्होंने संबंध दे विच संयुक्त मोर्चे वालों जो कॉल आई आ भारतीय किसान यूनियन एकता गुराह वालों के थां थां ते BJP के जिहड़े पुतले फूके जाण वो असी अज इत्थे भी खालड़े विच भी हुण फूकन लगे आ भिखीवंड फूकना वा साडे तकरीबन जिले दे विच 12-14 थावां ते जिहड़े असी पुतले फूक के इहदा विरोध कर रहे हैं। जिहड़ी गुंडागर्दी इहनूं नत्थ पाई जावे, ये गुंडागर्दी दे करके होया गुंडागर्दी नूं नत्थ पाई जावे। तरन तारण तों लखविंदर सिंह गुल दी विशेष रिपोर्ट। सबसक्राइब करो निडर आवाज़ TV ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।